पर उनकी हेल्प ना हमारी जिंदगी और ज्यादा डिजास्टर कर। शायद आपको पता चल रहा होगा पर मेरा ना एलर्जीज काफ़ी लंबे समय से मेरी सही नहीं हो रही है। जब मेरी एलर्जीज थोड़ी ख़राब हालत में होती हैं तो फिर मुझे साइनस की इन्फेक्शन भी हो जाती है। जब लंबा समय एलर्जी चलेगी तो साइनस इन्फेक्ट हो जाता है, ये एरिया कंजस्ट हो जाता है, सो सारे हेड में बहुत पेन होती है। एंड मेरी एलर्जी की मेडिकेशन भी फिनिश होकर रखी थी, कल कॉस्को से लेके आए हैं हम। एंड अब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि डिनर में हम क्या खाएँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा करना चाहती हूँ। आपने कल की वीडियो में देखा था ना कि मैं ये लेके आई हूँ इडली स्टैंड, इडली बनाना चाहती हूँ मैं, पर इडली मैं खाना चाहूँगी सांभर के साथ। एंड इतना मेरा काम करने के लिए मन नहीं है, शायद बना भी लूँगी, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या करते हैं। जुड़ के रहिए मेरे साथ। और सो अब शाम का समय है, मेरा गर्दन जब बल भी पै गया है, प्रॉब्लम्स बहुत होती है मुझे, 4:40 हुए हैं। सो शाम की चाय पीते हैं वो आराम से मैं और पति। एंड जब तक ये मेरी कैटल में पानी गर्म हो रहा है, जो ऑलरेडी हो चुका है, मैं डिशेस को क्लीन करना पसंद करती हूँ, पर फिर भी हम कर लेंगे जल्दी से इस एरिया को क्लीन, ताकि फिर मैं ना सुकून के साथ चाय पी पाऊँ। अगर मुझे पता है कि किचन थोड़ी डर्टी है, फिर मैं चाय ना सुकून से नहीं पी पाती, मज़ा नहीं आता मुझे। काम कर रही थी और नीचे हस्बैंड ने ना किचन में ये बनाई है गच्चक, ये बहुत अच्छा सा गुड़ लेके आए थे हम, नेचुरल जागरी, ये लिक्विड किस्म का है पर इसका फ्लेवर में बहुत अच्छा लगा था। सो ये गच्चक बनाई है हस्बैंड ने, सिर्फ बटर ऐड करके, गुड़ एंड मूंगफली एंड बहुत अच्छी बनी है बाय द वे। सो या अभी उनसे रेसिपी पूछेंगे कि कैसे बनाई। हस्बैंड ने पता क्या किया, वो गच्चक बना के ना उसको उस पैन में रहने दिया, पैन के साथ वो चिपक गई, सो उस पे ना उन्होंने नाइफ मार मार के गच्चक के क्रम्स सारी तरफ फैला दिया और वो चिपक गए हैं अब ये शेल्फ पे। सो पति अगर कोई काम करे ना तो मेरा काम डबल बढ़ा देते हैं, परेशान बहुत करते हैं। चलो पति होते परेशान करने के लिए, इस बिग डूड को भी क्लीन कर देते हैं, अभी कुक भी तो करना है कुछ। ये वो गच्चल गच्चक के क्रम्स इधर भी आ गए, इतनी दूर तक किधर पहुंच गए। हे बॉय अब इनसे छोड़ क्या की खाना है, हु आर यू टॉकिंग टू कैमरा। Try daddy's gachak. No. जी तू try नहीं करेगा तो कितना पता चलूगा कि बढ़िया है कि माड़ी है। I tried this long time ago. नहीं डैडी ने होममेड बनाई है। No. एक मिनट इधर आ। Try this. It's like caramel candy. ना ज्यादा नखरे कर जाया, ला सुटन चला गया, चल भज जा इथों। डैडी ने गच्चक ही गच्चक फैलाती सारे घर च, सारिया जगहवां ते, आ देख सारी गैस भी गच्चक ना भरती, हर एक स्टिक कर गया एवरीवेयर, बिकॉज डैडी ने ना ओनू पैन चो रिमूव नहीं किते, ओह पैन च स्टिक हो गए, तो डैडी ने नाइफ मार 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 के सारे पास The heck?
ओके तो जैसे आपने देखा कि हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा मैस मचाई है, थोड़ी सी मैंने क्लीन कर दी है, थोड़ी बाद में क्लीन करेंगे, चाय पीते हैं पहले, ये तो पहला नेरा हो जाए। मेरी कोशिश होती है कि चाय ना मैं जल्दी पी लूँ क्योंकि फिर मुझे नींद भी नहीं आती एंड कल मुझे नींद नहीं आई है बाय ना। नींद आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अगले दिन आप फ्रेश फील करें। सो अच्छी नींद नहीं आई है, दैट्स दैट। एंड वन मोर थिंग, बहुत लंबा समय हो गया है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की है। आपको मैंने बताया नहीं कि आजकल मैं कौन सी किताबें पढ़ रही हूँ या कौन सी किताबें पढ़ने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ती हूँ। सो आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज इडली बनाइए या पास्ता बनाइए? इडली श्योर, इट्स योर चॉइस, यू सेड इडली। हम लोग पति को बोलते तो हैं कि कोई चीज़ में हेल्प करा करे, स्पेशली किचन के काम के लिए, पर उनकी हेल्प ना हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा डिज़ास्टर कर देती थी, क्योंकि आई डोंट नो अगर आप मेरे जैसे हैं या नहीं, पर मुझे किचन क्लीन ही दिखती है, मुझे हर एक वो पिद्दी इनपरफेक्शन दिखती है। जैसे अगर कोई नॉर्मल हो शायद उसको ये गचक के क्रम्स नहीं दिखेंगे, पर मुझे अभी भी दिख रहे हैं एंड मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या करिए इस बंदे का? क्या आपके पति भी जब किचन में कुछ करते हैं तो डिज़ास्टर कर देते हैं? एक और चीज़ है, मैंने कई लोगों की ना वीडियोस देखी हैं, लाइक रील्स, उनके पति बहुत अच्छा खाना बनाते हैं एंड किचन को भी ऐसे सफ़ा चट कर देते हैं, पता भी नहीं चला कि किसने कुक किया है। अगर ऐसा पति मिल जाए तो मज़ा आ जाए कि आपकी किचन का थोड़ा बहुत काम भी हो और पता भी ना चले कि किसी ने कुछ किया है वहाँ पर। क्या बोलती है पब्लिक, सही है ना? अपने टिफिन जगह क्या है ऑरेंज? वेरी नाइस, वो क्यों खा रहे हैं? दैट्स जस्ट टू लुक एट। मेरी चार ठंडी हो जानी तेरे तक कर दे। टीनी मिनी माइनी मोना कर दे। चल एक डब्बा काट, चल एक नाइफ काट। कैन आई पोर वाटर इन दिस? नो थैंक्स। मैं चार ठंडी हो जानी। तो हिम्मत बोल रहा है कि उसे स्नैक खाना है तो मैं उसे स्ट्रॉबेरी देने वाली हूँ, क्योंकि वो तो उल्टी पुल्टी चीज खाना चाहता है, लाइक चिप्स खा लेगा, कुरकुरे खा लेगा। I never eat kurkure in my life. कोई गाल नहीं। You're missing on nothing. Chal. Is it sweet or bitter or beautiful? It's sweet. I told you. Guys, I really like this, guys. So, कल वाले व्लॉग में आपने देखा कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करना चाहती थी। देखो ये कितना बड़ा हो गया है। इसको मैंने कोने में लगा के रखा है पर अंदर रूम इसी ने कवर करके रखा है, पर मुझे नहीं मिला है। अब मैंने ना अलग से प्लान बनाया है, प्लांटर को चेंज करूँगी एंड होम डिपो से ना सिंपल सादे से स्टिक डंडे से लेके आऊँगी लकड़ी के, उस इसको करते हैं। शायद मैं आज जाऊँ या कल, पर या आज नहीं किया है मैंने ये काम, करेंगे जल्दी ही फ्यूचर में। फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है कि मेरे घर को काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है। वैसे इतनी बुरी हालत नहीं है, बस ऑर्गेनाइजिंग की है, पर फिर भी मैं झाड़ू फेरना लगी है सारे पास से। इससे मेरे दिमाग में भी झाड़ू फिर जाएगा एंड घर में भी फिर जाएगा। लेट्स डू इट। और हिम्मत को बहुत अच्छा लगता है स्कूल से आके सारी चीज़ें सोफे पे सोटने का। हिम्मत सर, दिस इज नॉट अ प्लेस टू पुट योर स्टफ, सो कैन यू प्लीज टेक देम, प्लीज आई हाईली अप्रिशिएट योर पेशेंस। सो इनू पाला तो इनू मेरी क्लोजेट च रख दे, बट केयरफुली रखी। दिस इज वेरी वेरी डेलिकेट। This is fur. Good job. Don't throw on the floor. Oh, excuse me. Who gonna put these in the laundry? No, can you do it? No, no, no. I'm not gonna do it. You do it. Okay. So एक टास्क तो हो गया है पूरा. Let's do other task. सोफे ने थोड़ा जैसे सजा देने हैं. नन्ही रहा क्यों है थे?
ये जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों है दोस्त। सो अनदर किताब अबाउट एस्ट्रोलॉजी। सो हमारी जो नज़दीकी लाइब्रेरी है उसमें जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं, ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, मैंने और कैलगरी की अदर लाइब्रेरी से भी मंगवा ली थी, यहाँ पे वो पढ़ ली है मैंने, ऑलमोस्ट सिमिलर इन्फॉर्मेशन है। पर जो किताबें मैं पढ़ना चाहती हूँ हिंदुस्तान के बेस्ट राइटर्स की, वो नहीं पढ़ी है मैंने, उनको पढ़ने का मेरा प्लान है। बुक्स के बारे में लेटर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। आज कहाँ से ये स्वेटर निकाल के मैंने पहना है मुझे नहीं पता। मैं सोच रही थी कुछ चीज़ों को डोनेट कर दूँ जो मैं पहनती नहीं हूँ, एंड ये स्वेटर मुझे लगा कि मैं नहीं पहनती हूँ, फिर मैं लगा कि आज ट्राई कर दिया कितना लग गया पा लिया, फिर मैंने लादा कि ये डोनेशन में जाएगा। बेटर फीलिंग, मच बेटर। ओके एक और किताब बताती हूँ उनको, लुक एट दिस। सो एक और किताब पढ़ी है मैंने, ये नेचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो ये ब्रूस स्कोफील्ड ने लिखी है, एंड फॉर नाउ आई एम रीडिंग दिस द फोर सेक्रेट सीक्रेट्स ब्यूटिफुल स्टेट फॉर लव एंड प्रॉस्पेरिटी। सो ये लिखी है पिताजी एंड कृष्णा जी ने। सो एस्ट्रोलॉजी के बारे में विचार मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है बहुत सारी चीज़ों पे, बट आपके पास एक फ्री विल भी है। सो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को नहीं बदला जा सकता है, पर बहुत सारी चीज़ों को बदला जा सकता है, एंड आप में उसमें फ्री विल काम करती है। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आपको आपके पास ऑप्शन है। बहुत सारे जीव जंतुओं के पास ये ऑप्शन नहीं होती है कि कैसे चीज़ों को वो सोचे, ये सिर्फ ह्यूमन के पास पावर है कि वो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, क्योंकि फिर आपको लाइक पता चलता है कि यार ये कितनी रिलेट करती है। और मेरा फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, वो मुझे बहुत सारी कुंडलियाँ ला ला के देता रहता है देखने के लिए, और फिर मैं उसमें से जो उसको आंसर देती हूँ बहुत हैरान होता है कि ओ वाओ ये तो सच में मैच कर रहा है, एंड फिर वो उसको मिसयूज़ भी करता है। आई डोंट नो, मुझे कह रहा था मुझे बहुत पावरफुल फील होता है जब मैं बताता हूँ किसी को मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके। सो इफ़ ही इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, मत यूज़ करो मेरी इन्फॉर्मेशन को। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा काम करता है, पर जिन लोगों की आत्मा और विल पावर थोड़ी वीक है उसको इस दुनिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन की नेचर है, उसे एक बंदा चाहिए जिसको वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाए कि मेरी ज़िंदगी में जो भी ख़राब हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है। जैसे बहू को अच्छा लगता है अपने इन लॉज को कहना कि मेरी ज़िंदगी सारी ख़राब है मेरे इन लॉज की वजह से या मेरे पति की वजह से। सो अगर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली में कुछ दोष हैं, तो आपको पता चलेगा कि ओ मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब है सिर्फ कुंडली की वजह से। सो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करूँगी, पर या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तभी आप कुंडली की दुनिया में जाएं, अदरवाइज मत जाएं, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो जाएंगे मेरे पति की तरह। सो मेरे पति सारा दिन उपाय करते हैं, कभी लाइटा जगाई दिया सारिया। सो सारा दिन उपाय करते हैं, चुराहे में नींबू रखते हैं, कभी उधर मिर्चा रखन जाते हैं। जो अगर आपका ऐसी मेंटालिटी है तो फिर कुंडली के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि आपके फियर का फायदा उठाने वाले ढोंगी पंडित बहुत है बाजार में, बड़ा सही है ना वो। ओके दोस्तों, सो मैं यही बताना चाहती हूँ एंड ऑफ द डे कि कुंडली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ी बहुत चीज़ें देख के कुछ छोटे मोटे सी रेमेडीज़ कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से देखें, पर अगर आपको लगता है कि आपके फियर का कोई फ़ायदा उठा सकता है तो मत करें, क्योंकि आपको डराने वाले लोग आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। सो दूसरी चीज़ है कि अगर आप रिलीजियस हैं और किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, या फिर किसी भी हायर पावर में बिलीव करते हैं, तो उस हायर पावर में ताकत है किसी भी चीज़ को चेंज करने की। सो वो किसी भी ग्रह को सेट कर सकता है, जैसे शिवा है, माइंड बॉडी इमोशन एनर्जी। अरे चार चीजें साडियां माइंड होवे ना ते बंदा दिखदा बिल्कुल मेरे लगा। बहुत गलत सलाह पे। ओके सो हस्बैंड ये कहना चाहते हैं कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं आपके इमोशंस बैलेंस हो जाते हैं, आप में ताकत आ जाती है इन चीजों को सहने की, या फिर आपके लिए ये चीजें मैटर ही नहीं करती। दूसरा चीज है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ बड़े दोष है तो बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज उसको हैंडल कर सकती हैं, बस आपकी डिवोशनल शक्ति के साथ।
अगर आप किसी भी रिलीजन में हो आप, पर अगर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं एंड आप ये चीज़ बिलीव करते हैं कि आपको संभालने के लिए कोई है, वो आपको मैंने वो आपको रख लेगा, लाइक वो आपको ख़राब नहीं होने देगा, तो वो चीज़ काम करती है। डाई हार्ड आपको विश्वास चाहिए कि आपको तो कोई चीज़ कभी तंग कर ही नहीं सकती। अभी सारे ग्रह को मैनेज करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बस सैटर्न थोड़ा ऐसा है कि जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि सैटर्न आपको जो दशा देता है या बुरा देता है वो कर्मों का फल है। जो भी आप पास्ट में चीज़ें करके आए हैं वो आपको सहनी पड़ेंगी। सो सैटर्न को कोई डेटीज़ ऐसे सही नहीं कर सकते, पर ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी जो कर्मों के फल हैं वो थोड़े कम हो जाएं एंड आपको सहने की शक्ति थोड़ी ज़्यादा मिले। सो ये एस्ट्रोलॉजी का सेशन है। सो यह बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। अभी मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी बाकी है, अभी मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की है, करूँगी फ्यूचर में। आई डोंट नो आपके साथ कितना शेयर करूँगी मैं या नहीं। मैं नहीं चाहती कि आपके दिल में किसी भी चीज़ को लेकर डर आए कि यार मेरी सिचुएशन तो ऐसी ही होनी थी, क्योंकि ऐसे नहीं होना था। आपके पास फ्री विल है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी मैं, बस ये आई डोंट नो आप ये कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है या नहीं, पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सो जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, रिलीजियस पाथ पे हैं, या किसी भी यू नो हायर पावर वाले पाथ पे हैं, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और तंत्रा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ टाइड हैं। एंड आप बहुत हैरान होंगे कि कुंडली पढ़ के बताया जा सकता है कि आप इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल होने वाले हैं या नहीं, क्योंकि आपने कुछ लोग देखे होंगे जो यू नो या स्पिरिचुअलिटी की या किसी गुरु की बात करना भी पसंद नहीं करते, वो इतनी बहस करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं ये चीज़ें है ही नहीं। सो उनकी कुंडली में ऑलरेडी लिखा है कि दे आर नॉट रेडी फॉर दिस। सो ऐसे बंदे से बहस करने का फ़ायदा नहीं है और लोगों को जज करने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर एक बंदा डिफरेंट पाथ पे है। कोई लोग सिर्फ मटेरियल चीज़ें इकट्ठा करने के लिए आए हैं, पर उनके पास भी फ्री विल है, अगर वो चूज़ करना चाहें वो भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पर वो काफ़ी दूर हैं। अभी अगर आप किसी सभा में बैठे हैं एंड कोई बंदा आपको स्पीच दे रहा है और 100 बंदे सुन रहे हैं, वो 100 के 100 बंदे उस स्पीच को डिफरेंट तरीके से लेंगे अपने अंदर, जैसे भी वो समझना चाहेंगे। सो स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे है, वो उन वही लोग समझ पाते हैं जो उस चीज़ के लिए ओपन है। तो वो हर कोई ओपन नहीं होता है, वो हर कोई उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। लोगों को लगता है केड़ी पागलों वाली गल्ला करी जा रहे हैं। सो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी है, इसी तरह ये डिवोशनल पाथ है कि वही लोग समझ पाएंगे जो जिनका दिमाग उस चीज़ के लिए ओपन है। आई डोंट नो अगर आप समझ पा रहे हैं या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा समझ पाई हूँ गाइस। पता है मैं ना व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ आजकल, आई डोंट नो क्यों, मेरा इतना मन नहीं कर रहा था, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। पर ये सारा दिन यही कन्वर्सेशन करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, दिन जो 7-8 सेशन होते हैं हमारे, जो वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कहीं से वो मुझे बताते हैं, जो मैं इकट्ठी करती हूँ मैं उनको बताती हूँ, तो बहुत लंबा समय हमारा इसी कन्वर्सेशन में जाता है। तो मैंने सोचा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि जिसके अंदर थोड़ा सा भी इस चीज़ का सीड है उस पर पानी आए और वो थोड़ा पौधा बने। अगर आपको इस दुनिया के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप एक चीज़ ज़रूर से करें कि मेडिटेशन करा करें, साइलेंस में बैठ के एंड अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्रोल होंगे, आप पीस में बैठें, अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करें एंड थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। काफ़ी महीने लग सकते हैं, आप वन डे उस स्टेट पे पहुंचेंगे जहां पे आपको काफ़ी पीस फील होगा। इसी से शुरू करें, आपको कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर आप रिलीजियस नहीं है तो वो करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन हर जगह पे आपके काम आएगी। अगर आप फ्यूचर में किसी मंत्रा को फॉलो करते हैं तब भी आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो सिर्फ चुपचाप बैठ के शांति में ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें एंड थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे आप एक थॉट सोचते हैं, लाइक जब हम शांत बैठे हमारे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, एक थॉट जाता है दूसरा आता है एंड उन दोनों थॉट्स के अंदर एक छोटा सा स्पेस आता है सोचने के लिए कि और कौन सा थॉट आएगा। सो उस स्पेस को थोड़ा 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 बढ़ाना है ताकि वो पीस मिले। मैनू मिला नहीं है अभी तक, मैं भी वही काम कर रही हूँ। मैं सोचो कि मैं पूरी थॉटलेस हूँ, मेरे भी बहुत सारे थॉट्स हैं, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि थॉट्स को कंट्रोल किया जाए।
सो एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं, ये चीज आपको बहुत पीस देगी एंड आपको ग्रेटिट्यूड आएगा जिंदगी में कि यार मेरे पास तो सब कुछ है। क्योंकि हम कई बार ना फालतू चीजों में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि इच्छाएं तो हमारी खत्म ही नहीं होती। ये चीज ना आपको थोड़ा पीस देती है, शांति देती है एंड आपको दिखता है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मुझे इनने की जरूरत नहीं है। एंड आप और ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, आप और ज्यादा काम कर पाएंगे एंड अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। हर चीज के लिए आपके लिए हेल्प करेगा, ऐसे नहीं है कि आप दुनियावी दुनिया छोड़ के सन्यासी बन जाएंगे। जो भी आपकी मटेरियल दुनिया है उसमें भी आपको ये बूस्ट करेगा, अलग से एनर्जी आएगी। पहले दिन ही नहीं होगा, करते रहे एंड ऑफ द डे आपको ये फीलिंग जरूर से आएगी। ओके, अब मैं अपने पति के साथ लड़ाई करने के लिए जा रही हूँ। की प्रॉब्लम है दोनों है प्यार, ये मेरे ना बहस पर से ये नहीं करने गए। प्यारी तू ध्यान नहीं बच्ची, कितने चली गई है? सोट ना दे पीछे पौड़ियों दे, तो हम हिंदी नाटक का नहीं बंदा। एक मिनट रुको, सोट देंगे। ये सर सर कुछ ऐड करेंगे। सर आप क्या बताना चाहते हो? कुछ नहीं बताना चाहता, थोड़ी जगह क्लियर रखो, बंदा आता जाता है यहाँ से। सर आप रोला पा रहे थे उधर, कुछ बताइए। कुछ नहीं बताना चाहता, राह साफ रखा करो इधर उधर। ये ट्रैक्टर लगे ना है, राह साफ रखा करो। यार तेरा ट्रैक्टर लग गया यार। प्यारी की खाना डिनर है जे? मैं तो सैलेड सुनर दे रही। ओके, सो हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो कुछ नहीं खाएंगे, तो फिर ठीक है। मैं ना पास्ता बनाने वाली हूँ। एक्चुअली कल हिम्मत की ना डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो वो कल स्कूल नहीं जाएगा, सो लंच की चिंता नहीं है। पर मैं बनाने वाली हूँ पास्ता मशरूम डाल के। सो अगर हस्बैंड खाना चाहें तो वो भी खा लेंगे, क्योंकि पहले मेरा प्लान था इडली सांभर बना लूँ, पर इन्नी हिम्मत नहीं है ना, इन्नी भूखा, सो स्किप करते हैं, सिर्फ पास्ता खा लेते हैं। Thank you.
Come on, dinner's ready. Thank you, Mama. You're welcome, Manu. हस्बैंड मेडिटेशन कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है तो थोड़ा सा खाऊंगी मैं। दोस्तों सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी प्यारी वीडियोस बनाती हूँ, इतनी प्यारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसको मिस नहीं करना चाहेंगे आप। एंड मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया पर फॉलो कर ले, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। कल मिलती हूँ आपको, बाय बाय, लालू।